सवाल क्या है? सवाल है कि आपको क्या सवाल है? दिलीप कुमार राम बोलो, अनम्यूट करो। सर नमस्कार सर, जय हिंद सर। सर हाँ बोलिए, जय हिंद। मैं डिफेंस से हूँ सर, हाँ और सर मैं आपका ट्रीटमेंट ऑलरेडी मैं सर ले रहा हूँ, और मैंने मेरा पहले जो मैं दवा मंगाया था तो ख़त्म हो गया था, फिर मैंने दोबारा सर दवा मंगाया, ठीक है। और सर जो मेरा समस्या है ना वो सर काफ़ी पुराना है, ठीक सर। और मुझे अच्छे डॉक्टर का मतलब संपर्क नहीं हुआ, मतलब सर वो आपसे मुझे पहली बार संपर्क हुआ, जो मुझे मतलब आपका जितना भी जो मैंने सिस्टम वीडियो देखा, जितना भी आपका एडवाइज है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा और उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ सर, ठीक है। लेकिन सर एक बात इसमें है ना कि जैसे मैं दवा बीच में 2 दिन और 3 दिन गैप हो जाता है ना, तो उसमें मेरे को ना थोड़ी सी सर फर्क मतलब वो पड़ने लगता है सर, मतलब लुजपन की, और जैसे क्या होता है कि सर स्टार्टिंग में तो इरेक्शन होता है और बीच में जैसे वो सर इरेक्शन मतलब डाउन होता है सर, बिना मतलब वीर्य निकले सर। हाँ लेकिन सर मेरा जो समस्या है वो सर काफी पुराना है, और मैंने कई डॉक्टर से दिखाया, लेकिन सर आप ऐसे पहले डॉक्टर हैं जो इतने अच्छे आपने हमें बताया, औरों को भी आप बताते हैं, अगर आपका एडवाइज अगर हर कोई फॉलो करे ना तो सर उसको मतलब कभी कोई किसी प्रकार की कोई समस्या सर नहीं हो सकती, ठीक है जी सर। हाँ ना, तो थोड़ा सर मेरा यही है, तभी मैंने सर दोबारा मतलब आपसे मैं मेडिसिन मंगवाया सर, ठीक है। जैसे कि मैं सर 1-2 दिन जैसे मेडिसिन मैंने गैप कर दिया, तो फिर मतलब मेरे को उसी टाइप का मतलब मेरा फीलिंग होने लगा है ना, कि जैसे मेरे लिंग में इरेक्शन नहीं हो रहा है, और स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए कि काफी कोशिश करने के बाद जैसे मैडम के साथ हम फोर प्ले करते हैं, फोर प्ले करने के बाद उसके बाद सर वो मुंह में लेकर फिर उसके बाद इरेक्शन आ जाता है, फिर हम रिलेशन बनाते हैं, तो सर वो विद इन मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर, मतलब धीरे तो गिरता नहीं है, लेकिन 1 से 2 मिनट के अंदर सर वो मेरा इरेक्शन सर डाउन हो जाता है, ठीक है। और सर मैं मतलब मेरे को एक एक बार फिक्स एंजाइटी का प्रॉब्लम भी हुआ था सर, तो उसका मैंने ट्रीटमेंट भी कराया, तो उसका ट्रीटमेंट से मुझे मतलब फर्क नहीं पड़ा, मुझे निगेटिव थॉट्स बहुत आता था, और बार बार मेरा ध्यान मेरे लिंग के ऊपर मतलब पड़ा रहता था। लेकिन सर जब से मैं आपका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और जब से आपने मेरे को दवा भेज रखे हैं, वो निगेटिव थॉट्स वाला और वो माइंड फाइल वाला, मोड फाइल वाला, और भी जो मेडिसिन भेज रखे हैं, उससे सर मेरे को इतना फर्क, मतलब सर 90% मेरे को फर्क पड़ गया, 90%। मुझे जो भी मतलब नेगेटिव का जो थिंकिंग था वो मेरे को काफी फर्क पड़ा, और जितना भी आपका अफर्मेशन है उसको मैंने सारा अपने डायरी में नोट किया और डायरी में लिखा हूँ, और जब भी मेरे को थोड़ी सी इस चीज की समस्या होती है मैं उस डायरी को प्रॉपर पढ़ना शुरू करता हूँ, फिर मेरे को काफी रिलैक्स महसूस होता है सर, ठीक है। सर ठीक है ना। ये थोड़ी सी मेरे को समस्या है सर, इसके लिए मैं सर आपसे आ बता गया, रहा हूँ ख्याल में आ सर, गया ठीक है। आपका जो लेकिन सर प्रॉब्लम है वो आपका ख्याल जो में आ गया, ठीक है ना, आया, जी समझ सर में आ गया जी आपका प्रॉब्लम। अभी हम चालू करते हैं तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है कि लोकल स्प्रे या मरहम का इस्तेमाल सेक्स में कैसा करें। बराबर है। क्या होता है कि लोगों को दो तरह का प्रॉब्लम होता है मेनली। एक होता है कि टाइटनेस नहीं आता, टाइट नहीं होता, तो उस समय फिर मरहम लगाना पड़ता है, मालिश करना पड़ता है, और मरहम मालिश लगा के टाइट हो जाएगा और आप सेक्स कर सकेंगे। नंबर दो, टाइट हो गया है मगर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और सेंसेशन बहुत ज्यादा है, हाइपर सेंसिटिविटी है, और जैसी सेंसिटिविटी ज्यादा है तो अंदर डालने के पहले ही या अंदर डालने के तुरंत बाद फटाक से पानी निकल जाता है। और फिर यदि पानी निकल गया तो ना आपको खुद को उसमें अच्छा लगता है, ना आपके औरत को या आपके पार्टनर को अच्छा लगता है, उसका मन भरता नहीं है, तृप्त तो नहीं होता है, आपका भी मन तृप्त तो नहीं होता है, और फिर उसमें पानी जो है निकल जाने के बाद में मजा भी नहीं आता।
कितना समय तक चलना चाहिए, तो एवरेज में ऐसा अलग अलग जो अभ्यास किया गया है, स्टडीज की गई है, उसमें ऐसा पाया गया है कि भाई लोगों को 5 मिनट और 40 सेकंड, ये लोगों का एवरेज, मतलब लिंग का योनि में प्रवेश करने के बाद, अंदर डालने के बाद 5 मिनट 40 सेकंड में सेकंड तक ये सेक्स चलना चाहिए। यदि वो 1 मिनट के पहले निकल जाता है, 1 मिनट के पहले इतना जल्दी निकल जाता है, तो डेफिनेटली उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, अर्ली इजैकुलेशन बोलते हैं, और पीई बोलते हैं, और उसका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि दोनों को तृप्ति होती नहीं है। आदमी शर्मिंदा हो जाता है, एक बार गिर गया तो आदमी ढीला पड़ जाता है, योनि के बाहर निकल जाता है लिंग, और उसको अलग होना पड़ता है। तो फिर उसके लिए वो टिकना जरूरी है। कुछ लोगों का 1 और 2 मिनट के बीच में निकल जाता है, तो उसका भी प्रॉब्लम है, उसमें भी तृप्ति नहीं मिलती, थोड़ी मिलती है। 2 से 5 मिनट जो है उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मगर प्रॉब्लम है। 5 मिनट यदि ऊपर है तो फिर समाधान हो जाता है। दूसरा उसका डेफिनेशन जो है वो ये है कि भाई आप दोनों को यदि समाधान मिलता है, दोनों को तृप्ति मिलती है, दोनों को शांति मिलती है, तो डेफिनेटली शीघ्र पतन नहीं है। तृप्ति मिलती है, अगर दोनों को शांति मिलती नहीं है, तृप्ति मिलती नहीं है, मजा नहीं आया, तो वो शीघ्र पतन है। तो फिर आप है ना दिलीप कुमार खारे है करके मैं आपको वीडियो बंद कर रहा हूँ, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को बहुत ज्यादा। अब कुछ तभी चबा रहे, वो तो बार बार मेरे सामने आ रहा है। ठीक है, तो फिर ये जल्दी गिरना नहीं चाहिए, उसके लिए हमारे पास में कुछ टैबलेट्स है, कि जो टैबलेट्स हम आपको देते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं टैबलेट्स का, तो लेट गिरता है, लेट गिर जाता है। और उसके साथ साथ हम आपको मलहम देते हैं, ऑइंटमेंट देते हैं, वो यदि लगाते हैं तो उससे भी लेट गिरने में सहायता होती है, मतलब जल्दी गिरेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, इसमें लाइडोकेन नाम का जो मलहम आता है, लाइडोकेन, वो बहुत अच्छा है लाइडोकेन। और वो यदि आप सामने का जो सुपारी जैसा पोर्शन है उसको, और चमड़ी पीछे करके सामने का जो भी जितना पोर्शन है उसको आप लगाते हैं, तो उसका फायदा आपको जरूर होगा। लिंग जो है उसकी सेंसिटिविटी निकल जाएगी और आपका लंबे समय तक चलेगा। लाइडोकेन जो है उसका स्प्रे भी आता है, स्प्रे स्प्रे मारो, मलम है वो मलम लगाओ, दोनों में से कोई भी, या फिर लाइडोकेन लगाए हुए कंडोम्स आते हैं, अंदर से बाहर से वो कंडोम को लाइडोकेन लगाया रहता है, और उसमें फिर जल्दी निकलता नहीं है। देखो जल्दी निकलना ये सभी उम्र में होता है, मतलब जवान लड़का है उसको भी जल्दी निकलता है, बूढ़ा होगा उसको भी जल्दी निकलता है। अभी ये जो मलम है इसके साथ साथ दूसरा और एक प्रायलोकेन करके आता है, प्रायलोकेन, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यदि है, लाइडोकेन प्रायलोकेन, तो बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन ये करता है। हमारे पास में ये कॉम्बिनेशन है, ये मेरे पास में कॉम्बिनेशन है, हम आपको भेज सकते हैं, और ये मार्केट में भी मिलता है, जल्दी मिलता नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन आप उसका इस्तेमाल करते बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अलग अलग स्टडीज जो पाई गई है उसमें ऐसा मालूम पड़ा कि यदि 5% वाला लाइडोकेन स्प्रे आप मारते हो तो सेक्स आपका 10 से 20 मिनट तक चलता है। ऐसे स्प्रे में ऐसे इसमें अलग दिखाई दिया। कुछ और एक अलग स्टडी थी 2003 में की गई, और वो 2003 की जो स्टडी है बहुत बड़ी स्टडी थी, उसमें ऐसा मालूम पड़ा कि यदि वो लाइडोकेन प्रालोकेन का यदि आप मलम लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, तो आपका जो गिरने का है टाइम वो 2 मिनट से लेके 11 मिनट तक बढ़ जाता है, इतना फर्क पड़ जाता है। तो दोनों भी खुश। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, अभी ये होता क्यों है ये भी हम देखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्लाइड बताता हूँ, और स्लाइड बता के मैं आपको कुछ
जानकारी और देना चाहूंगा, कुछ स्लाइड में आपको बताऊं, ठीक है ना। तो स्लाइड में देखिएगा ये कैसा होता है। तो ये मेरी डिग्री है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे रहा हूँ मैं। ये मेरी डिग्री है, MBBS, DPM, DNB और MD मैंने किया हुआ है। ये मेरे क्वालिफिकेशन है, मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, साइकोसेक्सुअल डिसीजेस, अल्कोहल डी एडिक्शन, चाइल्ड साइकोलॉजी, ऐसे सब विषयों में मैंने प्रावीण्य प्राप्त किया है। ये हमारा केयर हॉस्पिटल है जहाँ हम रिलेटिव्स के साथ में मानसिक रुग्णों को भर्ती करते हैं। और ये हमारा सन्मित्र मानस हॉस्पिटल है जहाँ हम रिलेटिव्स के अलावा पेशेंट को अकेले भर्ती करते हैं। ये हमारा सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये नागपुर का हॉस्पिटल। ये मेरी कुछ किताबें, जो किताबें आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, हमारे से मंगवा सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको सबको रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। ये है चैनल, ये है ऐप हमारा, ये प्ले स्टोर के ऊपर हमारा ऐप मिल सकता है। ये हमारी स्पेशलिस्ट टीम है। हमारा विजन जो है और हमारा मिशन कि हमारा अस्तित्व है कि लोगों को मानसिक, शारीरिक तथा लैंगिक जीवन में सक्षम, मजबूत और शक्तिशाली बनाना, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, आर्थिक संपन्नता होगी, जीवन में खुशहाली आएगी, लोग शांतिपूर्ण तथा नशामुक्त जीवन जिएंगे, हर परिवार में सुसंवाद होगा और एक नए विश्व का निर्माण होगा। हमारे देश का हर व्यक्ति अपना वैवाहिक जीवन खुशी से जी सकेगा, हर मनोरोग का इलाज होगा, लोग नशा मुक्त जीवन जिएंगे, हर परिवार में सुसंवाद होगा और एक नए विश्व का निर्माण होगा। हम आने वाले 3 साल में 10,000 सेक्स काउंसलर तैयार करेंगे जो 10,00,000 लोगों के वैवाहिक जीवन में खुशहाली जाएंगे। तो हमारा विजन मिशन है। लोग हमारे पास में जो आते हैं वो आते हैं कि नपुंसकत्व में ठीक हो सकता है क्या, टाइटनेस नहीं आता है, इरेक्शन नहीं आता है, शीघ्र पतन, और इसके लिए फिर मरम ऑइंटमेंट और ऑयल मंगाते हैं या ऑइंटमेंट मंगाते हैं, दवाई भी मंगाते हैं। सुहाग रात में कैसा करना है, फिर गर्लफ्रेंड के साथ में बातचीत करते करते चिपचिपा पानी आता है, फिर स्वप्न दोष होता है, सपने में निकल जाता है, उससे कमजोरी आती है, फिर लिंग टेढ़ा है करके आते हैं कि लिंग टेढ़ा है, फिर नाइट फॉल होता है करके लोग आते हैं कि रात में सपने में भी निकल जाता है, सपने में निकल जाता है, और काफी सारा धातु जाने से धात सिंड्रोम लोगों को होता है, उसका भी इलाज हम करते हैं। लंबाई बढ़ाने का है, पेनिस की लंबाई यदि 1 इंच से कम है तो कम है, 1 इंच से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर लोग आते हैं कि हमको लंबा करने का है, मोटा करने का है, जाड़ा करने का है, इसलिए भी लोग आते रहते हैं। हस्तमैथुन उनसे लोगों को लगता है कि टेढ़ा दुबला पतला हो गया है, कमजोरी आई है, और सेक्स टाइम जो है वो करना है तो बढ़ाने का है, और सेकंड टाइम करना है तो क्या करें। वैसे अलग 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 प्रोग्राम लेके हमारे पास में लोग आते हैं, हमारे पास में जो अलग अलग समस्या लेके आते हैं, प्रॉब्लम्स लेके लोग आते रहते हैं, और जिनका नॉर्मल साइज बढ़ाने का है, वीर्य पतन कैसे रोके इसके लिए आते हैं, और स्वप्न दोष के लिए आते हैं, टेढ़ापन हो गया करके आते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स बढ़ाना है, सेक्स टॉनिक चाहिए है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए आते हैं, फिर उस समय हम उनको ऑयल देते हैं। ये ऑयल हमने स्पेशली बना के लिया हुआ है, इसके लिए हमारे पास में दवाई भी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, मतलब टाइटनेस नहीं आना। तो कुछ लोगों को टाइटनेस नहीं आता है, कुछ लोगों को टाइटनेस आता है मगर जल्दी ढीला पड़ जाता है, कुछ लोगों को टाइटनेस आता है अंदर डालने के पहले ढीला पड़ जाता है, कुछ लोगों को टाइटनेस आता है मगर सेक्स करने के टाइम निकल जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार है। तो ये टाइटनेस आने के लिए हम दवाई देंगे, ऑयल देंगे, मलम देंगे, जिससे आपका टाइटनेस आना शुरू हो जाएगा। तो ये नपुंसकत्व है, लैंगिक कमजोरी है, उसका इलाज हम करते हैं, और उसके कारण तो आपको मालूम है, डायबिटीज है, मेंटल टेंशन है, प्रेशर है, जो भी कारण है। और ये है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जिसमें सबसे ज्यादा मलम का वापर हम करते हैं सबसे ज्यादा। और ये जो मलम है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको मलम भी बताता हूँ, 1 मिनट यार रुको।
मास्टरबेशन से भी, मास्टरबेशन बहुत ज्यादा किया, जल्दी जल्दी में किया तो जल्दी गिरने की लत लग जाती, जल्दी जल्दी मास्टरबेशन करते हैं। और होता क्या है कि उसकी आदत लग जाती है तो प्रॉब्लम है, मतलब इच्छा नहीं है तभी भी करना ही पड़ता है मास्टरबेशन तो प्रॉब्लम है, दोनों भी प्रॉब्लम। तो ये जो है सेक्स प्रॉब्लम आपको है तो आपको झगड़ा होता है, तलाक होता है, रिश्ते में दूरी होती है, अपराध बोध की भावना होती है, झगड़े होते हैं, शक हो जाता है, घर में खुशी नहीं है, शांति नहीं है। तो फिर उसके लिए हमने ये जो मलम का मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो ये मलम है, जरूरत के अनुसार हम आपको तेल देंगे, जरूरत के अनुसार मलम देंगे, इंजेक्शन देंगे, सब हम करेंगे। और ये मलम का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जो लोगों को ओरल सेक्स करना है, मुंह से करना है, मुंह में पकड़ना है, मतलब ऐसा लगता है उनको कि औरत ने मुंह से करना चाहिए, मुंह में पकड़ना चाहिए लिंग, और ओरल सेक्स करना चाहिए, तो फिर ये मलम लगाया होगा तो वो नहीं कर सकते, वो एक प्रॉब्लम होता है। क्योंकि वो मलम का टेस्ट जो है वो उसको आएगा, उसका मुंह भी नम हो जाएगा औरत का, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो लोग मलम लगाते हैं उनको एलर्जिक रिएक्शन भी आ सकती है। तो हमको जब भी आप मलम खरीदेंगे तब आपने जरा उसको देखभाल करके अच्छा स्टैंडर्ड मलम लेना बहुत ही जरूरी है, स्टैंडर्ड स्प्रे लेना बहुत ही जरूरी है। एक और एक्सरे बताता हूँ जिसमें प्रायलोकेन, प्रिलोकेन, प्रायलोकेन जो भी है, और लाइडोकेन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया, और दोनों का कॉम्बिनेशन जब यूज किया तो लोगों को उसमें 7 मिनट तक उनका लंबा चला, 7 मिनट से लेकर 30 मिनट तक चला। अभी ये जो मलम है ये मलम का असर आने को आपको टाइम लगता है, तो सेक्स करने के 10 मिनट पहले आपने मलम लगाना चाहिए, और चमड़ी पीछे करके सामने लगाना है, और लगे तो पूरा लिंग को आप लगा सकते हैं चमड़ी पीछे करके, राइट। और इसका असर जो है मलम का असर 3 घंटे करीब करीब चलता है, 3 घंटे। तो आपको उसको 3 घंटे तक करना है मतलब, ठीक है। और प्रॉब्लम मैंने जैसा बताया कि आप ओरल सेक्स नहीं कर पाते, इसमें प्रॉब्लम है। अब आप पूछेंगे गोलियां काहे की, तो गोलियां भी हम मलम के साथ में देते हैं। ये गोलियां जब ये आप लेते हैं तो उसमें सेरेट्रालिन है, फिर पेरोक्सीटिन की गोली है, तो ये गोलियां जब हम देते हैं आपको तो डेफिनेटली आपको जल्दी नहीं गिरेगी, मतलब नहीं गिरेगा, आपका टाइम बढ़ेगा। हम आपको जब मतलब ये जो आप लेते हैं दवाइयां, तो हम आपको काउंसलिंग भी देते हैं। काउंसलिंग में हम आपको सिखाते हैं स्क्विज टेक्निक, और स्क्विज टेक्निक जब हम आपको सिखाते हैं स्टार्ट स्टॉप स्क्विज टेक्निक, तो उससे भी फायदा होता है। बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो हम बोलते कि ठीक है अस्तमैथुन करो, मास्टरबेशन करो एडवांस में, और फिर चले जाओ और फिर सेक्स करो। या फिर जल्दी गिर रहा है तो दिमाग के थॉट जो है वो टेंशन वाले लो ताकि जल्दी गिरेगा नहीं, या फिर कंडोम ऐसा वापरो कि जिसमें ये मलम अंदर से लगाया हुआ है, और ये मलम अंदर से लगा के फिर कंडोम पहनने का है और फिर सेक्स करने का है, तो जल्दी गिरेगा नहीं। तो ऐसे सभी जो है वो अलग अलग उसके फायदे नुकसान है। ये मलम जब लगाते हैं तो आपने उसको ऐसा 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 करना चाहिए, मलम लगाने का भी तरीका ऐसा गोल 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 हाथ को घुमाना है, तो ये इधर से ऐसा 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 गोल 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 घुमाने का है, इधर से भी ऐसा गोल 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 घुमाने का है। जब आप घुमाएंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें फायदा दिखेगा, उसका असर आने को जैसा मैंने बताया कि 10 से मिनट, 10 से 5 मिनट तक, 10 मिनट तक चलता है, और मतलब 10 मिनट तक उसका असर आता है, कभी कभी 20 मिनट लग जाते हैं असर आने को। और ये जो यहाँ दिखना चाहिए वो क्यों दिख रहा है मेरा, यहाँ दिखना चाहिए ना, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है, हाँ या तो एक अभी विवोरा स्प्रे भी आ रहा है कि जब टाइटनेस नहीं होता है तो विवोरा स्प्रे मार लो तो टाइट हो जाएगा, तो वो भी आ गया है मार्केट में, वो भी आपको मिल सकता है। अभी ये जो दवाइयां हैं ये दवाइयां आपको 2 घंटे पहले लेने की है, 6
सेक्स करने के 2 घंटा पहले, 10 मिनट पहले मलम लगाने का है। यदि आपको जल्दी गिरने की आदत है तो मलम से मालिश करना नहीं है, मलम से मालिश नहीं करना है। जल्दी गिरने की आदत है तो मालिश करेंगे जल्दी गिर जाएगा, ठीक है। यदि जल्दी गिरने की आदत नहीं है तो फिर आप मलम से मालिश कर सकते। आपको ऑयल देते हैं तो ऑयल डेफिनेटली आपको यदि लगाएंगे मालिश करेंगे तो ऑयल से टाइट पना आ जाएगा। ये जो गोली है, गोली का रिएक्शन कुछ नहीं होता, 2 घंटा पहले लेने की है, सेक्स करने के 2 घंटा पहले गोली। मलम लगाने का नुकसान इतना ही है कि बाद में मुंह से सेक्स नहीं कर सकते। तो ये सब फायदे, आपको यदि गोली चाहिए तो हम आपको गोली दे सकते हैं। हमारे डॉक्टर से यदि आपको कंसल्ट करना है तो आप कंसल्ट हमारे डॉक्टर से कर सकते हैं। अभी देखिए, ये जो है इसके बारे में अभी तक जो मैंने बताया, इसके बारे में किसको कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। आप हाथ ऊपर करके सवालों के जवाब आपको मैं दूंगा। आप हाथ ऊपर करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा और जो भी सवाल होंगे तो सवालों के जवाब दूंगा। यस एनीबडी, नहीं है सवाल? यस अमोल तेलगोटे बोलो, अनम्यूट करो और बोलो। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, अनम्यूट करो और बोलो। हाँ, टाडा 2.5 ची जी गोड़ी है ना, टाडा फील्ड, हाँ सर, ती गोड़ी घेतल्यावर असं घाम जास्त येते आणि खायची भूक अशी, भूक कमी लागू राहिली, म्हणजे असं पहिल्यासारखं जेवण नाही जाऊ राहिलं। अच्छा ठीक आहे, तर काय करावं लागेल? ठीक आहे, हरकत नाही, थोडस आहे का अँटीसिड घ्या, अँटीसिड बंद करावा लागेल का? नाही, अँटीसिडची गोळी घ्यायची, अँटीसिड अँजेसिट, अँटीसिड तुम्हाला देतो लिहून, है ना, ओसिड, ओसिडची गोळी घ्या, ओसिड, ओसिड, ठीक आहे ठीक आहे। यस सुनील बोलो, सुनील ओसिड आवाज आ रही है फिलहाल? हाँ बोलिए सर। साइज कैसे बड़ा करूँ, साइज कितना होना चाहिए मैक्सिमम? हाँ क्या क्या, साइज कैसे बड़ा करूँ, साइज कितना होना चाहिए? आवाज नहीं आ रहा आपका, आवाज कम है, जोर से बोलो। साइज कैसे बड़ा करूँ, साइज कितना होना चाहिए? साइज 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए, 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए। 1 इंच से कम है मतलब आप पुरुष नहीं है, मर्द नहीं है, ठीक है ना, 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए। राधेश्याम जी बोलिए। राधेश्याम जी बोलो, परशुराम बोलो, राधेश्याम जी अनम्यूट करो, परशुराम अनम्यूट करो। ठीक है, अनम्यूट नहीं हो रहे लोग, परशुराम अनम्यूट कर रहे, पूछो। हेलो, हाँ बोलिए सर, आपण कुठून बोलता? अकोला, अकोला वरून, इकडे नागपूर वगैरे कुठं आपला दवाखाना आहे? अकोल्याला येऊन जाणार आहे तर ऑनलाईन बोला, ऑनलाईन बोलायचं किंवा अकोल्याला यायचं? अकोल्याला या, काही प्रॉब्लेम नाही सर। तुमचा जे आपण ग्रुप जॉईन केलं तिथं तुम्ही तुमचा ऍड्रेस देऊ शकता? अकोल्याला या, अकोल्याला कोणी सांगते तुम्हाला स्टेशन जवळ, अकोल्याला आले की रेल्वे स्टेशन जवळ। नाही नाही बरोबर आहे, तुम्ही तुमचं जे ग्रुप बनवलं त्याच्यावर तुम्ही आपला ऍड्रेस टाकू शकता का? हो टाकून द्या ग्रुपवर ऍड्रेस, है ना, टाकून देतो आणि त्याचा नंबर पण टाकतो, तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम असेल तर नंबर वरती कॉल करा, ठीक आहे? ओके ओके ओके, तुम्ही कुठून बोलताय? चंद्रपूर, भंडारा,
नाही गोंदिया 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 परशुराम बोलो ठीक है मैं ही बोलता हूँ अभी पूरा करता हूँ ये है ना। तो ये पांच प्रकार की गोलियां हैं। हम क्या करेंगे यदि आपको ये गोली चाहिए मलहम चाहिए तो मैं आपको हमारे डॉक्टर साहब से बात करने लगाऊंगा क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्या है हम समझ लेंगे और वो प्रॉब्लम समझ के फिर आपको दवाई यहाँ से रवाना करेंगे। वे प्रॉब्लम कौन सा है? जल्दी गिरने का प्रॉब्लम है, टाइट नहीं होता है कि हस्त मैथुन की लत है कि सपन दोष है कमजोरी आ रही है कि धाक सिंड्रोम है जो भी है उसके लिए। तो फिर वो हम आपसे बात करेंगे हमारे डॉक्टर साहब। उसके लिए आपको नाम रजिस्टर करना होगा, आप नाम रजिस्टर करो, हमारे डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। तो ये मेन कोर्स है दवाइयाँ का, दवाइयों का हम देंगे आपको और उसके साथ साथ ये दवाई आप लेते हैं तो उसके साथ साथ ये छह सेशन है हमारे 6 काउंसलिंग सेशंस। तो 6 सेशन हम आपसे बात करें, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसे 6 काउंसलिंग सेशन में हम आपको समझा देंगे सेक्स के बारे में। उसके बाद में ऑनलाइन हमारे पास में काफ़ी सारे वीडियोज है, देखो ये कितने सारे वीडियोज, कितने सारे अलग अलग विषय हैं। तो ये ऑनलाइन वीडियोज है, ये आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं मेरे, ये ऑनलाइन है। स्टार्ट स्टॉप स्क्विज स्टार्ट टेक्निक है, ये हम आपको सिखाएंगे। ये ऑनलाइन वीडियोज है, ये ऑनलाइन अलग अलग विषय है। अब ये जो अलग 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 विषय देखो मैंने कितने लाए आपके सामने, सबके ऊपर वीडियोज है, सबके ऊपर, सबके ऊपर कीगल्स एक्सरसाइज हम आपको सिखाते हैं काउंसलिंग, स्क्वीज टेक्निक हम सिखाते हैं काउंसलिंग। तो ये भी आप करो, ये ऑनलाइन कोर्स है, स्वसंबोधन सिखाते हैं, शीघ्र पतन के लिए स्वसंबोधन सिखाते हैं। तो ये पूरा जो कोर्स है मैं आपको ये दवाई भेजूंगा, आपकी रिक्वेस्ट है, आपको ये चाहिए, आपको घर पहुंच दवाई चाहिए तो डेफिनेटली आप हमसे संपर्क करके दवाई पा सकते हैं, आपके घर में मिल जाएगी। ये सेक्स करने के पहले 2 घंटा पहले दवाई लेने की है। यदि आपको जल्दी गिरने का प्रॉब्लम है तो मलहम लगाने का है, यदि टाइट होने का प्रॉब्लम है तो तेल से मालिश करने का है और आपको डेफिनेटली फायदा होगा, ठीक है ना। उसका कोई नुकसान नहीं है, दवाई का कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। अभी देखो ये 9 अलग 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 बीमारियां हैं, इसमें से आपको कौन सी बीमारी है या आप कौन से प्रॉब्लम के लिए दवाई लेना चाहोगे जरा डालिए। आपको कौन सा प्रॉब्लम है, एक नंबर डालो, नंबर सिर्फ हम होस्ट को बताएंगे, होस्ट को, होस्ट को आप नंबर डालो कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है। नपुंसकत्व है उसके लिए दवाई चाहेंगे, मलम चाहेंगे, शीघ्र पतन है, चिपचिपा पानी आना, हस्त मैथुन की लत, हैंड प्रैक्टिस, मास्टुबेशन, स्वप्न दोष, वेट ड्रीम्स, धातु रोग, पेशाब लेटरिंग के समय भी निकलना, लिंग का साइज छोटा होना, लिंग का टेढ़ापन होना, काफी सारा है। आप नंबर डालो कौन से नंबर के लिए आप दवाई या मलम लेना चाहोगे। साइड इफेक्ट नहीं है, तत्पुरते साइड इफेक्ट होती है, बाकी कहीं नहीं। यस 2 नंबर के लिए, 2, 8 और 9 के लिए है, ओके 2 और 8 के लिए है। और कौन कौन है, किसको किसको प्रॉब्लम है, यस ओके। तो ये प्रॉब्लम के लिए आप दवाई ले सकते हैं, मलहम ले सकते हैं और ये कैसे लेना मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली आप मलहम लेंगे, दवाई लेंगे तो उसके साथ में हम आपको 6 सेशन फ्री में देंगे, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, ऑनलाइन सेशन से आप घर बैठे बैठे सेक्स एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये दवाइयाँ हैं, 6 सेशन है, मलहम है, गोली है, सब है। और इसकी कीमत जो हमने पहले थी जब हम शुरू में चालू किए तब 28,995 थी, फिर हमने उसको टर्न अराउंड किया, उसके ऊपर खोज किया, फिर अपनी दवाई निकाली तो 14,999 हम तैयार कर सके। बाद में और फिर उसके ऊपर रिसर्च किया, बाद में 9,999 में दवाई देना चालू किया,
बाद में हमने काम किया तो भी 2999 दवाई है। अब कौन सी दवाई देना 3000 में या 2999 में, तो आपको बीमारी कौन सी है उसके ऊपर है। तो अब हम क्या करने वाले कि आपको बीमारी कौन सी है वो खोज के निकालेंगे और बीमारी के मुताबिक फिर हम आपको दवाई देंगे। तो भी एकदम 3000 देना भी लोगों को कठिन हो जाता है, एकदम 3000 कैसे देंगे। तो हमने क्या किया है कि हम आपके लिए हमने व्यवस्था किया है कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर जो है वो कंसल्टेशन लेंगे और कंसल्टेशन का चार्ज जो है वो हम हरदम 1000 रुपये लेते हैं बातचीत करने का, कंसल्टेशन देने का। मगर यदि आप आज अभी के लिए यदि आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं हमारे डॉक्टर से, तो आपको सिर्फ आज और आज और सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं आपको ये दे रहा हूँ 150 रुपये में, सिर्फ 150। इंस्टा मोजू की लिंक दी हुई है, चैट बॉक्स में है, वो लिंक के ऊपर आप सिर्फ 150 रुपये पेमेंट कर सकते हैं। आपको इंस्टा मोजू में 158 रुपये लगेंगे और यदि आपको इंस्टा मोजू नहीं भेजना है 8 रुपये ज़्यादा, तो आप गूगल पे फ़ोनपे कर सकते हैं, उसका भी नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। मगर आप गूगल पे फोन पे करेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट भेजनी पड़ेगी ताकि हमें मालूम पड़ेगा कि किसने दवाई अब किसने दवाई के लिए पैसे दिए हुए हैं। हमारा एक कंसल्टेशन है 150 रुपये में, इसमें क्या करेंगे हमारे डॉक्टर आपसे बात करेंगे, कल डॉक्टर बात करने के बाद में आपसे पूरी हिस्ट्री लेंगे, फिर मेरे से बात करेंगे, फिर हम मेडिकल के थ्रू आपको दवाई भेज देंगे। दवाई की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2800 से लेके 3000 तक है। कुरियर का खर्चा हमारी तरफ, हम कुरियर का खर्चा भी करेंगे जो 200 से 300 रुपये होता है, मतलब एक्चुअली दवाई जो है वो कम है, 2500 रुपये 2600 रुपये दवाई है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि भाई वो आपको बहुत ही फायदे की रहे, बहुत ज़बरदस्त रहे, तो आपने सिर्फ 150 रुपये अब भी भरना है क्योंकि ये ऑफर जो है वो अभी के लिए है, बाद में नहीं है। बाद में यदि आपको बात करना है हमारे डॉक्टर्स जो है एक्सपर्ट डॉक्टर उनसे, तो आपको करीब करीब 1000 रुपये भरने पड़ेंगे। अभी आपको टाइम है 10 मिनट का, अभी 8:35 हो चुका है, 8:45 को हम ये बंद करेंगे ऑफर, तब तक आपने इंस्टा मोजू और इंस्टा मोजू में पेमेंट करने का है। गूगल पे फोन पे के लिए नंबर डाला हुआ है, उसके ऊपर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी को कुछ सवाल है तो आप सवाल पूछिएगा, मैं सवाल उनके जवाब दूंगा। Yes, तो आपको हाथ ऊपर करना है यदि आपने। परशुराम बोलिए, परशुराम जी आप। यस गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे एक क्वेश्चन था। मेरा कभी 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 जल्दी फॉल हो जाता है, कभी कभी बहुत देर तक टिकता है। सेकंड के लिए जब करता हूँ तो कभी 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 उठ जाता है, लेकिन कभी कभी होता ही नहीं, ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, कभी आप दवाई लो, मलम लो, उससे आपको फायदा हो जाएगा, काउंसलिंग करेंगे उससे आपको फायदा हो जाएगा। आपकी हिस्ट्री मेरे को बताएंगे, फिर हम आपको यहाँ से दवा भेज देंगे। तो दवा कैसी लेना उसके बारे में आपको वीडियो आएगा। सेक्स करने के 2 घंटा पहले दवाई लेने की है, 10 मिनट पहले मलम लगाने का, ठीक है। यस सहानी जी बोलिए, विक्की यादव बोलिए। एक्चुअली सर, जो पंपिंग करने के लिए जो पंप देते हैं, तो वो पंपिंग का
करने के बाद असर हो जाता है क्या? मतलब अभी तक मैंने किया नहीं, लेकिन मुझे एक, मैं गया वैक्यूम था पंप, एक, वैक्यूम हाँ पंप जो वैक्यूम होता पंप, है यस पहला, यस 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 यस, मैं गया था एक डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मुझे ये पंप के बारे में बोला था, तो वो पंप उसको वगैरह लोगों को कैसा है? फायदा होता है, उसको लोगों को फायदा होता है। हाँ, तो उसका मुझे प्राइस वगैरह वो क्या रहता है? प्राइस अलग अलग पंप है, 300 रुपये से लेके 1000 रुपये तक है। आपको चाहिए तो हम भेज देंगे यहाँ से, है ना, हम भी भेज देंगे लेकिन वो पंप। वो पंप का मतलब असर हो जाएगा क्या? मतलब हो जैसे कि जाएगा, साइज बढ़ना या साइज मोटापना, नहीं बढ़ती, टाइटनेस के लिए फायदा हो। बस खाली टाइटनेस के लिए फायदा है, साइज में कुछ असर नहीं होगा? नहीं, अच्छा, और साइज के लिए अगर वो कुछ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? साइज के लिए चाहिए तो आप हमारे से पहले बात कर लो, हम जज करेंगे हाँ और हाँ फिर दवाइयाँ मलहम देंगे, कोशिश अच्छा, करेंगे, ओके, है ना, कोशिश करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे कल, एक्सपर्ट डॉक्टर, फिर वो मेरे से बात करेंगे, बाद में आपको दवाई भेजेंगे, आपको काउंसिलिंग में लाएंगे और आपका ओके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ओके, तो 150 रुपये भर दो, 150 रुपये भर के फटाफट फटाफट 150 भरना है, 10 मिनट में हम खत्म करेंगे। 150 रुपये भर दो ताकि आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से कल बातचीत कर सकें। आप इंस्टा मोजो के ऊपर भरो या गूगल पे फोन पे से करो। दवाई का चार्जेस क्या रहेगा फिर? दवाई का चार्जेस अप्रोक्सीमेटली 28 रुपये से 3000 रुपये लगेगा। कोरियर चार्जेस भी हमारे तरफ है, अच्छा, उसमें कोरियर ये चार्जेस खाली भी आप, काउंसलिंग के लिए? नहीं नहीं दवाई के लिए, नहीं ये जो 150 रुपये जो है वो काउंसलिंग के लिए चार्जेस है? ये कल काउंसलिंग बातचीत करेंगे और बातचीत करके मेरे से बात करेंगे ओके, हमारे तो एक्सपर्ट ये डॉक्टर। मतलब 150 रुपये जो आप अभी पे करके ले रहे हो वो हाँ तो खाली का काउंसलिंग और आपसे बात कंसल्टेशन, करने के लिए? कंसल्टेशन, हाँ मेरे हाँ से वही बात करने के लिए नहीं, सर, एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करने के लिए, कंसल्टेशन के लिए। ओके 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 ओके, थैंक यू सर। ओके सहानी जी बोलिए। हेलो हाँ जी, सर जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर जी। ये जो दवा मंगा रहा है आदमी, तो इसका सर पूरा मतलब फाइल यूज करना पड़ता है? मतलब पूरा कोर्स कितना होता है? पूरा कोर्स आपको 15 दिन के लिए हम दवाई देंगे और आप काउंसलिंग करेंगे, आपको फिर दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर ये अलग अलग बीमारी का अलग दवा है या फिर एक ही का सब सभी नहीं नहीं दवा है? नहीं अलग अलग है, इसलिए हमारे डॉक्टर कल आपसे बातचीत करेंगे, कल अच्छा बातचीत अच्छा करके आपका प्रॉब्लम समझ लेंगे, फिर डॉक्टर मेरे से बातचीत करेंगे, फिर हम आप अच्छा सर, दवाई डिसाइड करेंगे आपका प्रॉब्लम जो है, और फिर दवाई भेजेंगे। तो सर कोई कम में और दवा नहीं है क्या? कम में नहीं है, अप्रोक्सीमेटली उतना ही खर्चा है, क्योंकि हम उसमें काउंसलिंग भी करते हैं, है ना, अच्छा, 6 सेशन काउंसलिंग के भी है। हम आपको 60 वीडियोस देंगे, 60 वीडियोस मेरे, तो वो भी आपको आ जाएंगे, सर और तो दवाई सर भी आ ये जाएगी, 150 रुपये मतलब आज ही अगर पे करते हैं तभी हो पाएगा? तभी है ना, तो अदरवाइज 1000 रुपये लगते हैं, 1000 रुपये। अच्छा, तो सर ये कोरियर द्वारा आ जाएगा मेरे पास है? हाँ ओके सर, ठीक है ठीक है, भर रहे अभी, भर दो जल्दी। ठीक है सर, चलिए। हाँ यस, अरुण राउत बोलिए। अरुण राउत अनम्यूट करो, बोलो। हेलो हेलो यस बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ हाँ सर, एक्चुअली मला डायबिटीज है, आवाज येतो सर? हेलो हाँ टीवी, हेलो, हाँ बोला बोला, ऐसा ऐसा। मला डायबिटीज है 2 वर्षापासून, हाँ त्यामुळे हाँ सिक टाइम कमी झाला, 1 मिनिटाचा तर डिस्चार्ज होतो, हाँ तर त्याच्यावरती आहे का काही इलाज? हो या मेडिसिन पडेल का फरक? हो 1 2 5 भरपूर नाइन ट्राय केले 2 वर्षापासून। हॅलो, हाँ सर आवाज येतोय माझा? हो ये तो है।
का सोल्यूशन आहे का डायबिटीजच्या पेशंट साठी? हा हा करू ना आपण. डायबिटीज पेशंटला मेडिसिन ते ना करत ना. हा एक मिनिट हा. हा बोला. हॅलो बोला बोला. हा तेच म्हटलं मला डायबिटीज इश्यू आहे 2 वर्षापासून डायबिटीजचे मेडिसिन घेतोय. तर त्याच्यावर आपल्याला टाइटनेस आणण्याकरता औषध घ्यावं लागेल. ते औषध दिलं तर होऊन जाईल. टाइटनेस आणायचं औषध दिलं तर होऊन जाईल. काही प्रॉब्लेम नाही. टाइटनेस टायमिंगचा इश्यू आहे. टायमिंग 1 मिनिटाच्या आतच होत. हा तर ते देऊन आपण टाइटनेस करू आणि टायमिंगचही करू. दोन्ही पण करू. डायबिटीज असेल तर होईल का असं होईल सर? हा भरपूर रामदेव बाबा वगैरे त्यांना असं होत नाही त्यांचं डायबिटीज मुळे. होईल का या मेडिसिन? येस येस. तुम्ही आता 150 रुपये भरून टाका. उद्या आमचा किती महिने कोर्स करावा लागेल? उद्या आमचे डॉक्टर जे आहेत ते तुमच्या बरोबर बोलतील. उद्या बोलून तुम्हाला औषध पाठवतील आणि काउन्सिलिंगचा कोर्स आहे तो पण करू. माझ्याशी बोलल्यानंतर ठीक आहे. किती महिन्याचा कोर्स करावा लागेल तो? 15 दिवसाचा कोर्स आहे. रुपये महिन्याचे किती? 15 दिवस कोर्स आहे फक्त. 15 दिवस होईल बस. त्यानंतर यावं नाही लागणार परत? नाही 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 नाही. नंतर तुम्ही काउन्सिलिंग जर केलं तर तुम्हाला कोर्स करावा लागणार नाही. काउन्सिलिंग करावं लागेल. दर महिन्याला 3-3 हजार बोलले तर? दिलीप कुमार राम बोला. दिलीप कुमार राम बोली. आप 9822 डालो 70101 इसके ऊपर गूगल पे फोन पे कर सकते है. और इंस्टा मोजो जो है उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं. इंस्टा मोजो. हाँ बोलिए दिलीप कुमार राम. हेलो. यस बोलिए सर. मैं वीडियो ऑन कर दिया सर. सॉरी सर गलती हो गया सर. हाँ हेलो बोलिए बोलिए ना सर. मेरा वीडियो ऑन कर दीजिए सर बस. अच्छा वीडियो ऑन करना है. हाँ हाँ सर. हाँ बस बस सर. हाँ बाकी सर जो मैं आपको बताया सर उसको उससे थोड़ा मेरे ठीक है. मुझे क्या करना है सर आप मेरे को थोड़ा बता दीजिएगा. अभी आप 150 रुपए भर दो. अभी आप 150 भरो. आपको कल कॉल आएगा है ना. भर दिया आपने. अभी आपको कल कॉल आएगा. कल बैच में भी है ना. ठीक है हरकत. ठीक है हरकत. कल कर दे. ओके सर. ओके सर. Yes. ठीक है. अभी किसको कुछ नहीं है तो फिर हम बंद करते हैं.